सो हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज़ आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आज की क्लास में हम आपको कुछ बारे में बात करेंगे, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में हमने जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और जब हम किसी से मिलते हैं इस तरीके की बातें हम वहाँ पे करते हैं तो हमारा आंसर था आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, और इस तरीके के टर्म्स का, इस तरीके के शब्दों का हमने इस्तेमाल किया था। और यही सब हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग की फिफ्थ पार्ट में जब हम आज के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको कुछ नए टर्म्स सिखाएंगे। फिर हमने लास्ट जब हमने कल डिस्कस किया था तो हमने डिड वाली क्लास भी आपको पढ़ाई थी। डिड के बारे में क्या कर रहे थे हम, जब कोई काम हो गया होता है और किसने किया, मैंने किया, तुमने किया, उसने किया, इस तरीके के हम टर्म्स यूज़ करते हैं। तो डिड वाली क्लास में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके कर रहे थे उसको। हम मैं भी शायद कल की क्लास में सम अप कर देंगे सारी क्लासेस को, तो तब हमें सारे पार्ट्स जितने हुए हैं उसको हम कवर कर लेंगे। फिलहाल मैं अभी आज के पार्ट में फोकस करता हूँ। तो हमारा जो आज का पार्ट है वो है इंट्रोड्यूस टू समवन। जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो इंट्रोडक्शन करते समय हम इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। या कल हमने देखा था कि हम कुछ ग्रीटिंग्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें ग्रीटिंग्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रीटिंग्स मतलब कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हम किसी को कैसे बोलते हैं, हेलो, हाय, हाउ आर यू, और इस तरीके के हमने काफ़ी सारे टर्म्स को इस्तेमाल किया था। तो इंट्रोड्यूस टू समवन, तो जब हम किसी से मिलते हैं तो हम ये, वैसे तो हम मुलाकात करने से जैसे ही हम मिलते हैं तभी भी यूज़ कर सकते हैं, और जब हम मुलाकात कर लेते हैं उसके बाद जब हमारी मीटिंग ख़त्म होती है तभी भी हम इन टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे पहला यहाँ पर मैंने लिखा है गुड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू, आपसे मिलकर के अच्छा लगा। जैसे ही हम आपसे मिले, आपको हेलो, हाय, हाउ आर यू की क्लास हमने कल दे दी थी। जब हम मिल चुके हैं और मिलने के बाद जैसे ही हम उससे मिले तो हमने बोलेंगे कि गुड टू मीट यू, आपको देख करके अच्छा लगा, आपसे मिलकर के अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू भी कह सकते हैं, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई, प्लेजर टू मीट यू, हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला, आई एम हैप्पी टू मीट यू, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, आपसे मुलाकात करके, ग्लैड टू सी यू, आपको देख करके बड़ी खुशी हुई है, और लव टू सी यू, आपको देख करके बड़ी खुशी हुई है, बड़ा आनंद हमें महसूस हुआ है। तो इस तरीके के शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी से मिलते हैं, हेलो, हाय, हाउ आर यू, जब हमारी कल मतलब जब ख़त्म होता है और जब हम किसी से मिलते हैं तो हम इन तरीके के टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साथ साथ में रिपीट ज़रूर करते रहें, क्योंकि जब तक हम बोलते नहीं हैं तब तक फिर स्पीकिंग नहीं आती। अदरवाइज़ हमें लगता तो है कि हमें ये पढ़ना लिखना सब कुछ आता है, लेकिन जब हम कहते नहीं हैं तो साथ साथ दोहराते रहें। इसी यही पर्पज़ था मेरी भी क्लास रखने का, कि ताकि फ्लुएंसी आ पाए, बोलने में हिचकिचाहट ना हो और हम सिंपली हम उन चीज़ों को, टर्म्स को हम कह सकें। तो पहला जो हमने लिखा है आप यहाँ से देख सकते हैं, हमारा पहला जो टर्म है वो है गुड टू मीट यू। गुड टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर के खुशी हुई। दूसरा वाला टर्म आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है वहाँ पर, नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू। सेकेंड वन इज़ नाइस टू मीट यू। थर्ड वन आप देख सकते हो, ग्लैड टू मीट यू। फोर्थ वन इज़ प्लेजर टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू। ग्लैड टू सी यू, आपको देख करके खुशी हुई। लव टू सी यू, आपको देख करके बड़ा आनंद महसूस हुआ। तो इन सारे टर्म्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम मिलते हैं किसी से और जब हम मुलाकात करते हैं तो हेलो, हाय, इस तरीके के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। कल मैंने काफ़ी सारे टर्म्स आपको लिखवाए थे कल की क्लास में। तो जब हम मिलते हैं तो हम इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मिलते हैं हम तो ये भी हम कह सकते हैं कि आपको देख करके बड़ा आनंद हुआ। फिर आफ्टर यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू समवन, जब आप किसी से मिल चुके होते हैं, आपकी मुलाकात हो गई, आपका ये सब कुछ हो गया, मीटिंग वगैरह हो गई, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई हैव बीन वेटिंग टू मीट यू फॉर सम टाइम, जॉन हैड टोल्ड मी, आई हैव बीन वेटिंग टू मीट यू, आई हैव बीन वेटिंग टू मीट यू फॉर सम टाइम, मैं आपका इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहा था। जब आपको किसी से मिलते हैं और कभी ऐसा लगता है कि आपका इंतज़ार, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत समय से आपका वेट कर रहा था और आज मौका मिला है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो इस तरीके के टर्म का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव बीन वेटिंग टू मीट यू फॉर सम टाइम, हम आपके से इस कुछ समय के मिलने के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। जॉन हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू,
किसी जॉन ने आपके बारे में बताया था और आपसे मिलने का मौका मिला है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है आपसे मिलने का और मैं काफ़ी समय से आपका इंतज़ार कर रहा था आपसे मिलने के लिए। तो आई हैव बीन वेटिंग टू मीट यू फॉर सम टाइम, आई हैव बीन वेटिंग टू मीट यू फॉर सम टाइम, इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉन हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू, जॉन ने आपके बारे में मुझे बताया था, जॉन ने बताया था, सीता ने बताया था, रामू ने बताया था, साहिल ने बताया था, आशीष ने बताया था, आशीष हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू, आशीष ने मुझे आपके बारे में बताया था। आई हैव बीन वेटिंग टू मीट यू फॉर सम टाइम, मैं आपसे मिलने के लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था या कर रही थी। आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, जैसे हम मिलते हैं तो हम कहते हैं कि किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आज हमें मौका मिला है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू फॉर मी फॉर मीटिंग यू, या फिर हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट यू, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। जैसे हम कभी किसी से मुलाकात करते हैं और हम उनसे पहली बार मिल रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हमने आपके बारे में बहुत सुना है और आज हमें मौका मिला, तो आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट यू, आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट यू। हम कभी कभी बात करते हैं तो मैंने रामू के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट रामू, आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट हिम, आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, हिम मतलब कोई है, कोई लड़का है, और आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट हर, जब लड़की की बात करते हैं तो हर का इस्तेमाल करते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपके बारे में, जब हम किसी से मिल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमने आपके बारे में पहले बहुत कुछ सुना है, आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट यू, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सो वी फाइनली मीट फेस टू फेस, तो हमें आज फाइनली हमें फेस टू फेस मिलने का मौका मिला है, सो वी फाइनली मीट फेस टू फेस, तो हम आज कैसे मिल रहे हैं, फेस टू फेस मिल रहे हैं। कई बार आजकल की यूथ जनरेशन हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे मिलते हैं और वो लोग चैटिंग करते हैं और मिलने का उन्हें कई बार बहुत कम मौका मिलता है और बहुत समय बाद वो आपस में मिलते हैं फेसबुक चैट के थ्रू या किसी भी इस सोशल मीडिया के थ्रू वो आपस में कई बार मिलते हैं। एक केस हुआ था अभी अल्मोड़ा में मिलने वाला बेचारा, वो मर गया वो लड़का, तो ऐसे मिला ना करें, बट फिर भी जब हम किसी से फेस टू फेस बहुत समय बाद हमारी बात हुई होती है, हमने फ़ोन में बात की होती है या हमने देखा नहीं होता या देखा भी होता तो हम मिले नहीं होते, तो हम फेस टू फेस मिलते हैं, तो सो वी फाइनली मीट फेस टू फेस, तो हम फाइनली फेस टू फेस एक दूसरे से मिल गए। फिर आई एम सॉरी व्हाट वाज योर नेम अगेन, कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं और हम उनका बात करते करते उनका नाम भूल जाते हैं, मेरे साथ बहुत होता है, मैं नाम याद नहीं रख पाता, तो जब कभी आप बात करते करते नाम को भूल जाते हैं तो नाम को बोलने के लिए आप ये कह सकते हैं आई एम सॉरी व्हाट वाज योर नेम अगेन, आपका नाम दोबारा बताइए या आप दोबारा अपना नाम बता सकते हैं। आई डिड नॉट कैच योर नेम, मैंने आपका नाम नहीं जान पाया या मैं आपका नाम नहीं समझ पाया। आई डिडंट गेट योर नेम, कैच की जगह आप गेट भी लिख सकते हो। हर शब्द का मतलब ऐसा नहीं होता कि, जैसे कैच का मतलब ये नहीं कि आपको नाम को पकड़ना है, या फिर सिंपली आप कह भी सकते हो कि मैं आपके नाम को पकड़ नहीं पाया या मैं आपके नाम को समझ नहीं पाया। तो गेट का मतलब होता है पाना, मैं आपके नाम को पा नहीं पाया, पाने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपके नाम को समझ नहीं पाया, इस तरीके से कहते हैं। सो आई डिड नॉट, कल हमने डिड वाली क्लास भी पढ़ी थी, आई डिड नॉट गेट और कैच योर नेम, मैं आपके नाम को समझ नहीं पाया। आई डिडंट गेट योर नेम, आई डिडंट कैच योर नेम, मैंने कल आपको इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में बोला था, डिड नॉट को डिन भी यूज़ कह सकते हैं, तो आई डिन गेट योर नेम, आई डिन कैच योर नेम, इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। और मेरे साथ ये बड़ा होता है कि मैं नाम भूल जाता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे लोगों से मिलना होता है तो मेरे दिमाग में नाम थोड़ा सा, मेरे साथ दिक्कत है नाम को याद रखने में, तो मैं ये कह सकता हूँ आई एम टेरेबल एट नेम्स, मेरे साथ नाम में मतलब मैं बहुत गड़बड़ा जाता हूँ या मैं भूल जाता हूँ, तो आई एम टेरेबल एट नेम्स, आई एम टेरेबल TERRIBLE, आई एम
टेरिबल एट नेम्स, मेरे साथ नाम के साथ याद रखने में मुझे दिक्कत है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो अभी हमने जब बोला कि जब हम किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हम इस तरीके के टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, गुड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू, ग्लैड टू सी यू, लव टू सी यू। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो हम इन सारे उस बातों को, अपनी कॉन्वर्सेशन को और सुंदर या बेहतरीन बनाने के लिए इन प्यारे से शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आफ्टर जब हम मिल जाते हैं तो मिलने के बाद हमें कहते हैं, जैसे ही हम मिलते हैं तो हम बहुत समय बाद मिले, या आपका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी, आई हैव बीन वेटिंग टू मीट यू फॉर सम टाइम, जॉन हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू, मुझे आपके बारे में किसी ने बताया था, जॉन ने बताया था, श्याम ने बताया था, राम ने बताया था, आशीष ने बताया था, लेकिन मैं आपका बहुत समय से बेसब्री से आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी। तो आई हैव हीयर्ड सो मच अबाउट यू, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, सो वी फाइनली मीट फेस टू फेस, तो हम क्या हुए हैं फाइनली आज फेस टू फेस मुलाकात करने का हमें मौका मिला है, या हम फाइनली फेस टू फेस मिल रहे हैं। आई एम सॉरी व्हाट वॉज योर नेम अगेन, मैं भूल चुका हूँ आपका नाम क्या है, क्या आप मुझे अपना नाम दोबारा बताएंगे, या इस तरीके से हम कह सकते हैं, आई एम सॉरी व्हाट वॉज योर नेम अगेन, आप अपने नाम को दोबारा बता दीजिए इस तरीके से, आई डिड नॉट गेट योर नेम और आई डिडंट कैच योर नेम, मैं आपके नाम को नहीं जान पाया या मैं आपके नाम को नहीं पकड़ पाया, नहीं समझ पाया, आई एम टेरिबल एट नेम्स, मेरे साथ नाम को समझने में बहुत गड़बड़ियाँ हैं, तो मुझसे याद नहीं हो पाते, तो हम ये कीवर्ड यूज़ कह सकते हैं, आई एम टेरिबल एट नेम्स, मेरे साथ नाम को समझने में थोड़ी दिक्कत है। अब कल से हम मुलाकात वाली क्लासेस सीख रहे थे, आज हमें मिलने के बाद बाय बाय करना है। तो जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो कल से हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि कल से हम मुलाकात करने वाली क्लासेस पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, आज हमें बाय बाय करना है, टाटा बाय बाय करना है। जब हमारी बात ख़त्म हो जाती है, हमारी मुलाकात हो जाती है, तो हम लोगों को बाय बाय करना है, तो बाय बाय कैसे करते हैं, तो बाय बाय के लिए कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम, गुड बाय, जैसी बात ख़त्म हुई हम जा रहे होते हैं तो हैव अ गुड बाय, इस तरीके से गुड बाय कर सकते हैं, या हम सिंपली बाय कह सकते हैं, बाय, या बाय बाय कह सकते हैं, या टाटा कह सकते हैं, फेयरवेल कह सकते हैं, फेयरवेल भी एक वर्ड है जो बाय बाय के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन फेयरवेल पर्टिकुलर तब यूज़ किया जाता है कि जब सारा प्रोग्राम, या जैसे 11th वाले 12th वालों को जब उनके सीनियर्स जाते हैं तो फेयरवेल कहते हैं कि हम फेयरवेल सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि फेयरवेल का मतलब है कि जब कोई जा रहा है तो उन्हें बाय बाय करने से है, तो जब कोई पर्टिकुलरली कहीं किसी प्रोग्राम से बिल्कुल विदा ले रहा है, या कॉलेज से या स्कूल से, तो तब वहाँ पे बाय बाय के लिए पर्टिकुलर फेयरवेल यूज़ किया जाता है, अदरवाइज हम जनरली गुड बाय, बाय, बाय बाय, टाटा, ये सब तो आप जानते ही थे। यहाँ पर हम कुछ नए टर्म्स को भी हम यहाँ पे आपको मेंशन कर रहे हैं, हास्ता ला विस्ता भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है, स्पेनिश में बाय बाय को हास्ता ला विस्ता कहते हैं, एक मूवी आई थी बाहुबली वाले हीरो की, प्रभास की, तो वो उसमें आई थिंक वो डॉन का रीमेक था, तो वो डॉन वाली मूवी जो अमिताभ बच्चन वाली थी, तो वो इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है उस मूवी में, हास्ता ला विस्ता स्पेनिश वर्ड है, तो बाय बाय करने के लिए हास्ता ला विस्ता भी कह सकते हैं, हास्ता ला विस्ता। नेक्स्ट है इसमें एडियो, फ्रेंच में एडियो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बाय बाय कहने के लिए। नेक्स्ट है च्याओ, च्याओ या हैव अ बॉल च्याओ, च्याओ बोलते हैं, CIAO, च्याओ, इटालियन में बाय बाय कहते हैं, और सी यू लेटर, आई विल सी यू लेटर, मैं आपको बाद में मिलता हूँ, आपको उससे बाद में मिलता हूँ, आई विल कैच यू लेटर, आई विल कैच यू लेटर, हम यहाँ पे देखते हैं लेटर का मतलब होता है बाद में मिलना, तो हम आपको बाद में मिलते हैं, आपको बाद में पकड़ते हैं, पकड़ना नहीं है, बस आपको आपसे बाद में मुलाकात करते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं, हैव अ गुड बाय, हैव अ गुड बाय, हैव अ टाटा के लिए भी हम आई विल कैच यू लेटर भी कह सकते हैं, सी यू सून, हम जल्द मिलेंगे, अभी हम यहाँ से अलविदा लेते हैं और हम आपसे जल्द मिलेंगे, तो सी यू सून इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ये करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जब हम किसी से पहली बार मुलाकात करते हैं तो कैसे, फिर हमें क्या क्या मिलने के बाद हम किस तरीके से, मिलने के बाद हम किस तरीके से उन्हें कह सकते हैं, या हमें टाटा बाय बाय करना है तो किस तरीके से करते हैं। आज मैं एक स्पेशल क्लास में, इस स्पेशल क्लास में आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी बातों को जब करते हैं तो उसमें मिठास
और सभ्यता और तहजीब कैसे लाई जा सकती है या कैसे लाई जाती है, अपनी कन्वर्सेशन को कैसे बेहतरीन किया जा सकता है, उसमें के लिए ये एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, एक ये वाला और जो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ की क्लास में बात करने वाले हैं एग्री करने पर। तो क्या होता है कि जब हमें कभी कन्वर्सेशन करनी होती है, ये कम्युनिकेशन स्किल का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि जब आपको सबसे पहले दूसरे का सुनना ज़रूरी होता है, और क्योंकि जब आप दूसरे को सुनते हैं, इवन वो गुस्से में भी आपसे बात कर रहा है तो आप कहते हो हाँ आप ठीक कह रहे हो, तो जब आप उसे ठीक कह रहे हो तो वो थोड़ा अब शांति में आ जाता है कि हाँ मेरी बात मान रहा है या सुन रहा है। अब जब वो शांत हो जाता है तब आप अपने पॉइंट्स उसके सामने रख सकते हो, अदरवाइज़ वो सामने से चिल्ला रहा है, आप यहाँ से बड़बड़ कर रहे हो, आपने उसने फिर कुछ मारा, फेंक के आपने कुछ मारा, तो बस वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो पहले सामने वाले की बातों को सुन लेना चाहिए, सामने वाले को भी एग्री कर जाना चाहिए, उसके बाद अपने पॉइंट्स अपने व्यूज़ आप रख सकते हो। ये कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब जब किसी से बात करते हो उसमें तमीज़ तहजीब के साथ आपको किस तरीके से बात करना चाहिए, कॉन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए, उसमें यह सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे सामने वाले ने किसी ने कोई बात करी तो आप कह सकते हो यस यस, यप यप भी कहते हैं, यस यू आर राइट आप सही कह रहे हैं, या यू आर ग्रेट यू आर राइट या कह सकते हैं, या श्योर या ऐसे भी कह सकते हैं, या श्योर एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं, दैट्स ट्रू का मतलब आप सही हैं, आई एग्री मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन, ऐसे ऐसे जब कोई सामने से कुछ कह रहा होता है तो आप इन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ ये मुझे सुन रहा है, अदरवाइज़ उसे लगता है कि बस मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, ये मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो सामने वाले को भी अच्छा सा महसूस होता है। तो जब आप किसी से एग्री करते हैं, ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में बहुत कम करते हैं, तो जब कभी भी हम कॉन्वर्सेशन करें या कम्युनिकेशन हम किसी से करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो हम सामने वाले को फील कराना चाहिए कि हाँ हम तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं और हम आपके बातों पे ध्यान दे रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या क्या हमने बताया, जैसे ही वो कोई बात करते हैं आपको लगता है कि आप एग्री करते हैं, यस यप राइट या यस योर एब्सोल्युटली दैट्स ट्रू आई एग्री इट्स फाइन, तो इस तरीके के टर्म्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की क्लास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खास पॉइंट जो हम कभी नहीं करते हैं और जिसे हमें सबसे ज़्यादा करना चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए और रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, समझने के लिए, अदरवाइज़ हमारे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, फिर दिल टूट जाते हैं। दिल कुछ होता नहीं है, दिल बस धुप 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 करने का ही काम कर रहा होता है, बाकी सारा खेल यहाँ से चलता है। पर फिलहाल हम सॉरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब हम सामने वाले से जब हम सपोज़ हम कोई गलती करते हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए जो हम नहीं करते हैं। यही किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी कम्युनिकेशन को या किसी भी कॉन्वर्सेशन को बहुत बिगाड़ देता है। तो हमें सामने वाले के रिलेशनशिप को या अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, कुछ लोग हमारे लिए बहुत स्पेशल से होते हैं, उनको स्पेशल बनाए रखना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो माफ़ी कैसे मांगते हैं, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, इट्स माई फॉल्ट, हाँ ये मेरी ही गलती थी, यस इट्स माई फॉल्ट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये मतलब जो भी गलतियाँ हुई है मेरी तरफ से, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, या आपके साथ जो भी कुछ ख़राब हुआ है या कुछ भी गड़बड़ हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज भी हम माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, आई अपोलोजाइज फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपसे क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ। लड़कियाँ भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लड़कियों को लगता है कि हमें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तो लड़कियों को भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो क्योंकि इससे रिलेशनशिप सही रहते हैं। अदरवाइज़ आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, इट्स माई फॉल्ट, इट्स सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई अपोलोजाइज फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। इस तरीके के टर्म्स का या शब्दों का प्रयोग करके हम माफ़ी मांग सकते हैं और किसी कन्वर्सेशन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो अभी हमने यहीं तक की क्लास, आज मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ।
और हम बस आज के लिए यही पार्ट है। मैं आपको कुछ चीज़ें भेजूंगा जिसके बारे में आप डिस्कस करेंगे और आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे से आपको क्या क्या करना है आपको मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं तो उनको मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा और इस तरीके के काम आप कर सकते हो। तो आप लोगों को मैंने एक काम ये करना है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक बार कहा था कि आपको डेली शेड्यूल आपको अपना बनाना है, डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल में क्या करना है आपको, जब आप डेली शेड्यूल बनाते हो तो आप कैसे बनाओगे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप मैं सुबह उठता हूँ, आफ्टर दैट आई स्प्लैश माई फेस, आई गो टू फ्रेशन अप, मैं शौच के लिए जाता हूँ, आई ब्रश, आफ्टर दैट आई स्प्लैश माई फेस, आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ, आफ्टर दैट आई टेक टी, मैं टेक टी का मतलब होता है आई ड्रिंक टी भी कह सकते हैं, आफ्टर दैट आई रीड न्यूज़पेपर, आफ्टर दैट आई डू माई होमवर्क, आफ्टर दैट आई स्वीप द फ्लोर, मैं झाड़ू लगाता हूँ, आफ्टर दैट आई मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर का मतलब होता है स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगाने को कहते हैं स्वीप द फ्लोर। नेक्स्ट होता है मॉप द फ्लोर, पोंछा लगाने को कहते हैं मॉप द फ्लोर, पोंछा लगाते हैं। आफ्टर दैट आई अगेन, आफ्टर दैट आई मेक अ ब्रेकफास्ट, मैं खाना बनाता हूँ, आफ्टर दैट आई टेक अ ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ, आफ्टर दैट आई स्टडी, आफ्टर दैट आई जैसे खाना ब्रेकफास्ट कर लिया, आफ्टर दैट आई प्ले अ गेम, आफ्टर दैट आई वॉच अ टीवी, आफ्टर दैट आई वॉच अ टेलीविज़न, आफ्टर दैट आई वॉच मूवी, आफ्टर दैट आई चिट चैट विद माई फ्रेंड्स, चिट चैट का मतलब होता है बातचीत करना, आई चिट चैट विद माई फ्रेंड्स, आई वॉच आई चिट चैट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, आफ्टर दैट आई वॉच सम न्यूज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल, आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट, आफ्टर दैट आई गेट अप, मैं दोबारा उठता हूँ या उठती हूँ, आफ्टर दैट आई गो टू द किचन, आफ्टर दैट आई मेक अ लंच, आफ्टर दैट आई सर्व द लंच टू माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को पूरा लंच सर्व करता हूँ या करती हूँ, आफ्टर दैट आई टेक अ लंच, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ, आफ्टर दैट आई टेक अ नैप, टेक अ नैप का मतलब होता है नींद में थोड़ी नींद लेना, थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना या नींद लेना, आफ्टर दैट आई गेट अप, आफ्टर दैट आई अगेन स्प्लैश माई फेस, फेस को दोबारा धोते हैं, आफ्टर दैट आई मेक अ टी, आफ्टर दैट आई सर्व द टी टू द माई फैमिली, आफ्टर दैट आई टेक टी, आफ्टर दैट आई वॉच मूवीज, आफ्टर दैट आई गो फॉर माई, आफ्टर दैट आई गो फॉर वॉक, आफ्टर दैट आई चिट चैट विद माई फैमिली, आफ्टर दैट आई कम बैक टू माई होम, वॉक के बाद आप कह सकते हैं कि आफ्टर दैट आई कम बैक टू माई होम, आफ्टर दैट आई कट द वेजिटेबल्स, आफ्टर दैट आई मेक द वेजिटेबल्स, आफ्टर दैट आई मेक द डिनर, आफ्टर दैट आई सर्व द डिनर, आफ्टर दैट खाना खाने के बाद, आफ्टर दैट आई कम टू माई बेड, आफ्टर दैट आई मेक द बेड, मैं अपना बिस्तर लगाता हूँ, आफ्टर दैट आई रिमेंबर ऑल द डेली, आफ्टर दैट आई रिमेंबर ऑल द वर्क विच आई हैव डन इन माई इन होल डे, आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड, आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड, आफ्टर दैट आई रीड बुक्स, आफ्टर दैट आई रीड बाइबल, आफ्टर दैट आई रीड सम बुक्स, आफ्टर दैट आई स्लीप एंड आफ्टर दैट फिर ये इस तरीके से आप अपना डेली शेड्यूल बना सकते हैं। तो आपको बस इसमें मैंने आपको कहा भी था कि आपको बस यहाँ पर एक ही फॉर्मेट लगता है, आई एक्शन, मैं ये करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, जो जो काम करता हूँ, इस तरीके से हम अपना डेली शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास को फ़िलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।
और ये इससे रिलेटेड मैंने एक्शंस क्या थे मैंने ऑलमोस्ट सब आपको बताए। आप लोग इसे बना करके कोशिश करें और कोई कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।